हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू लीग्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नॉटिंघम इंग्लैंड में कल पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टी20 मैच खेला गया, जिसमें पाकिस्तान ने 31 रन से इंग्लैंड को शिकस्त दे दी। एक बड़ा मैच था, अच्छा मैच था, हाई स्कोरिंग मैच था। इस ग्राउंड की अगर बात करें तो ये हमेशा यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं। एवरेज यहाँ पे जो स्कोर बनता है वो 190 बनता है। तो कल पाकिस्तान ने अपने टी20 कैरियर का, टी20 हिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट स्कोर 232 रन बनाए और बेहतरीन मैच हुआ। और मैच के जीतने के बाद वहाँ पे पाकिस्तानी शायकीन इतनी बड़ी तादाद में थे कि उन्होंने भंगड़े डाले, मस्ती की। पूरे नॉटिंघम सिटी में वो उनकी जितनी भी सड़कें थी वो फुल थी पाकिस्तानी शायकीन से। एक बड़ी खुशखबरी मिली पाकिस्तान शायकीन को, उसकी वजह ये थी कि पहले इंग्लैंड ने जो है वो पूरी तरह पाकिस्तान को 3 वनडे में जो है वो शिकस्त दी। 3-0 से इंग्लैंड ने वाइट वॉश किया और अब पाकिस्तान जो है वो उसका बदला लेना चाहता है। पाकिस्तान ने पहला टी20 मैच जीता, जिसके बाद शायकी ने क्रिकेट जो कि यूनाइटेड किंगडम में बसते हैं उनमें खुशी की एक लहर दौड़ उठी। वो भंगड़े डाले गए, मौज मस्ती की गई, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि गोरे भी जो है वो ढोल की थाप पर नाचते रहे, भंगड़े डालते रहे। बेहतरीन मैच था, बेहतरीन बैटिंग देखने को मिली शायकीन को, बेहतरीन बॉलिंग देखने को मिली, बेहतरीन फील्डिंग देखने को मिली। हमेशा पाकिस्तान फील्डिंग की नाकामी की वजह से मैच हारता है, कैचेस ड्रॉप करने की वजह से मैचेस हारता है, लेकिन कल बहुत ही ज़बरदस्त फील्डिंग की गई, कैचेस बहुत अच्छे पकड़े गए, इसकी वजह से पाकिस्तान को फतह हासिल हुई। और उसी खुशी में यूके में नॉटिंघम सिटी में मौजूद शायकी ने क्रिकेट की बड़ी तादाद जो है वो भंगड़े डालते हुए सड़कों पर निकल आई। दिल दिल पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, कौमी क्रिकेट टीम जिंदाबाद, बाबर आजम जिंदाबाद के नारे लगाए गए। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान अगले टी20 में क्या करता है, जो कि लीड सिटी में खेला जाएगा।